जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत नज़ीर। सर्वेजात एकेडमी की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूं। बीकॉम पार्ट टू के तमाम लेक्चर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप हमसे सीडीज बाय कर सकते हैं। खैर जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग मौजूद है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर दें कि कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर हो रही होती है वो आपके बीकॉम कोर्स में दो प्रोसीजर्स को कह लें, दो कॉस्टिंग सिस्टम को लिया गया है। एक का नाम है जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम और दूसरे का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में बनने वाली चीज़ें वो होती हैं जो हर वक्त बन रही हैं, कोई ऑर्डर दे ना दे, कंपनी उनके पास जैसे ही उसको रॉ मटेरियल मिलता है कंपनी उनको प्रोड्यूस कर देती है। लेट सपोज आटे की बोरियां हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में बन रही हैं। सीमेंट की बोरियां हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में बन रही है। वेन एवर अ कंपनी हैज़ रॉ मटेरियल, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इट विदाउट गेटिंग एनी ऑर्डर, क्योंकि इनकी खपत कहें, इनका यूज कहें, वो हर वक्त होना ही होना है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग 2016 प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जो आपके सामने यहां मौजूद है। कोई भी चीज हो उसके बनने में तीन चीजों का अहम किरदार है। वो क्या तीन चीजें हैं? नंबर वन मटीरियल, नंबर टू लेबर, नंबर थ्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीन चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो या फैक्ट्री ओवरहेड हो एक बात है, डायरेक्ट मटेरियल हो ये दूसरी बात है, डायरेक्ट लेबर हो ये तीसरी बात है। एफओएच की लिस्ट आपको एक ही बार सॉल्यूशन में जब आप सीडीज बाय करेंगे आपको वहां मिल जाएगी। खैर इस वक्त क्वेश्चन को रीड करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन की बातें बाद में भी होती रहेंगी। जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे उतनी ही आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। अंबर कंपनी लिमिटेड, अंबर कंपनी लिमिटेड स्टार्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम August 1, 2016 ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड यूनिट प्रोडक्शन डेटा। अ कॉस्ट रिपोर्ट डिपार्टमेंट वन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज एज फॉलोज। मटीरियल एक्विजिशन थी 84,000 की, लेबर कॉस्ट 64,000, सामने यूनिट लिखे गए हैं 1400, ओवरहेड अप्लाइड 48,000, टोटल करा गया है और सामने टोटल के लिखा गया है 1400 यूनिट्स। आउटपुट दी गई है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, आगे कॉस्ट नहीं दी हुई कि डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कितने यूनिट किए गए। 1000 यूनिट ट्रांसफर किए गए बट उनकी कॉस्ट क्या है ये नहीं लिखी गई। इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 ऊपर देखें तो 1400 अगर टोटल यूनिट थे, 1000 आउट हो जाएंगे तो 400 स्टिल वर्क इन प्रोसेस या गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री में मौजूद होंगे। तो वही लिखा गया है कि इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ 400 है, उनकी कॉस्ट क्या है यह नहीं लिखा गया। द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इज फुल्ली कंप्लीट एज टू मटीरियल एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। क्लोजिंग एंट्री में जितना मटीरियल डलना था वो डल चुका है। यह समझने वाली बात है कि 400 यूनिट पे जो मटीरियल डलना था ना वो डल चुका है, बट 50% कंप्लीट एज टू लेबर है। इसका मतलब है उन 400 यूनिट पे जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस पे जो 400 यूनिट्स हैं उन पे लेबर 50% की डली है। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों 50-50% के डले हैं, वो 100% नहीं डली। उसकी वजह, इतना जोर देने की वजह क्यों आ रही है? क्योंकि रिक्वायर्ड का पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ मटीरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब बात आती है कि ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होते हैं। मैं अमूमन पढ़ाते वक्त इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की जब बात करता हूं तो मैं दो कमरों की एग्जांपल ले लेता हूं कि दो कमरे हैं, दो रूम्स हैं, दो रूम्स हैं। आप सोचें कि हमने दो लेबर उन दो रूम्स पे डिप्लॉय कर दिए। हमने घर में कलर करवाना था, हमारे घर में टोटल दो रूम्स थे, हमने दो लेबर बुलाई और वो लेबर उन दोनों रूम्स को पेंट करने लग गई। हुआ कुछ यूं कि हम शाम में आए, हमने देखा तो दोनों कमरे ही कंप्लीट नहीं हुए,
हाँ, दोनों ही कमरे कंप्लीट नहीं हुए। पहले कमरे में गए तो एक कमरे में यूजुअली नॉर्मली हम चौरस चकोर घरों में रहते हैं, तो दो दीवारें पेंट थी रूम ए की भी, दो दीवारें पेंट थी रूम बी की। अब एक बात तो यह हो सकती है कि जब हमसे पूछा जाए कि कितने कमरे पेंट हुए, तो हमने खुद दो लेबर को दो डिफरेंट कमरों में डिप्लॉय किया। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही कमरे पेंट नहीं हुए, क्योंकि हकीकत भी यही है कि दोनों कमरे पेंट नहीं हुए। रूम नंबर ए की भी दो दीवारें पेंट हुई हैं, रूम नंबर बी की भी दो दीवारें पेंट हुई हैं, तो दोनों ही कमरे कंप्लीट तो नहीं हुए, पेंट तो कहीं भी फाइनल नहीं हुआ। मगर दूसरी तरफ अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की बात की जाए, तो ज़रा सोच कर देखें कि यही लेबर अगर एक रूम पे लगा दी जाती, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन, क्योंकि चार दीवारें तो पेंट हो चुकी हैं ना, चार दीवारें तो पेंट हो चुकी हैं, तो मैं ये बात क्यों नहीं कह सकता कि कमोबेश ऑलमोस्ट एक कमरा पेंट हो चुका है। और ये झूठ भी नहीं होगा अगर मैं कहूं कि तकरीबन एक कमरा पेंट हो चुका है। दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। क्लियर? बात समझ में नहीं आई हो, दोबारा रिपीट करके देखें कि अगर हमने इस दोनों लेबर को एक ही रूम पे लगाया होता, तब भी आप अगर देखेंगे तो एक कमरा कंप्लीट हो जाता, मगर हमने दो जगह लगाया तो कमोबेश एक रूम हमारा कंप्लीट है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। यहां पे कैसे निकलेंगे वो हम समझाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन सीरीज हमारी अवेलेबल है। बी में यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। कॉस्ट यहां मौजूद है, जैसे ही हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के ईपीयू से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया जाएगा, लेबर को लेबर से, FOH को FOH से। और यहां मैं एक टेक्निक की बात बता दूं कि डिवीजन के बाद अगर एग्जैक्ट 2.5, 2.3, 6.2 इस तरह की फिगर आया करें, समझ जाएं कि आपने सही किया है, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आया, सही किया है। मगर ये 8-10 साल की 5 ईयर मेरे सामने मौजूद है, अगर आपका कभी ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में 6.739250 आया हो, तो आप समझ जाएंगे कुछ गलती हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही नंबर आता है, यानी 2 या 2.5 या 3.75 एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे होते हैं। यानी जो हमने एक स्ट्रिंग बताई, डिजिट्स की स्ट्रिंग जब आएगी, डबल चेक जरूर करें कि कहीं गलती तो नहीं हुई। सी में है मिसिंग फिगर्स ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2 एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस। डी कहता है प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2। जो एंट्रीज बननी है वो एंट्रीज भी हमने बनानी है। ये था प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3 2016 का, प्राइवेट पार्ट 1 ही इसको कहेंगे, क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं स्टेप वाइज जाते हुए तमाम टॉपिक को इस तरह कवर किया गया है कि वो आपको क्लियर हो जाए। आई होप प्रोसेस कॉस्टिंग आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जवाब भी ज़रूर समझ में आएगा। हमारी सीडी को बाय करने से पहले आप डेमो को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू बाय सीडी और नॉट। बहुत ही कम कीमत रखी गई है, आप 110% अगर बीकॉम को पास करना चाहते हैं, उसके स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही एक माइन्यूट सा अमाउंट है। एंड यू इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, एक वैसे ही यूट्यूब पर आते हैं, तो आपको वो सीडी फ्री में भी दी जाए ना तो बेकार है आपके लिए। तो काइंडली उनको डिस्क्लोज करने की बातें ना किया करें, एनीथिंग ऑफर्ड फ्री विल रिमेन यूजलेस। ख्याल रखें, सॉल्यूशन में आपके साथ मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह।